पैंतालीस वाट का जो लैंप वोल्टेज जो होता है 80 वोल्ट होता है। न्यूनतम प्रारंभिक वोल्टेज 340 वोल्टेज होता है और धारा जो होता है 0.6 एम्पियर, और प्रकाश निर्गत 3500 लुमेंस मेजर एम जो होता है 257 से 51 होता है, इसका मापन होता है। 60 वाट का 105 वोल्टेज लैंप का होता है वोल्टेज, और न्यूनतम प्रारंभिक वोल्टता 340, धारा जो होता है 0.6 एम्पियर, और प्रकाश की निर्गत जिसको बोलते हैं ल्यूमिनेंस जो होता है 5000, और माप जो होता है 300 × 51 mm का होता है। 85 वाट का होता है लैंप वोल्टेज, 160 वोल्टेज होता है न्यूनतम प्रारंभिक, 400 प्रारंभिक वोल्टता, धारा जो होता है 0.6 एम्पियर, प्रारंभ निर्गत जो होता है 8000 होता है, माप जो होता है 414 × 51 mm। 140 वाट का होता है लैंप वोल्टेज, 160 वोल्टेज होता है न्यूनतम प्रारंभिक, 410 धारा 0.9, प्रकाश निर्गत 13000 ल्यूमेंस, और एमएमएम जो होता है 525 × 10 वाट। 200 का होता है लैंप वोल्टेज, 260 न्यूनतम प्रारंभिक वोल्टता, 600 और धारा जो होता है 0.9, और इसका जो होता है आपका प्रकाश निर्गत ल्यूमेंस 22000, और माप जो होता है 750 × 60 होता है। और टिन ऑक्साइड सोडियम लैंप का डाटा, 40 वाट का जो होता है 75 वोल्टेज, करेंट 0.5 एम्पियर, प्रकाश निर्गत 4400 लुमेंस, माप 310 × 51, 60 वाट 115 वोल्टेज लेता है और 0.60 एम्पियर करेंट लेता है, प्रकाश निर्गत ल्यूमेंस 7800, 425 × 51 mm होता है। 100 वाट का 125 वोल्टेज लेता है, करेंट 0.95 और प्रकाश निर्गत 12500 और 528 × 64.5 माप होता है। 150 माप का 185 वोल्टेज, करेंट 0.94 और प्रकाश निर्गत 20500 और इसका माप 775 × 64.5। 200 वाट का 265 वोल्टेज और करंट 0.90 और प्रकाश निर्गत 30000 और माप 1120 × 61.5। अब बात आती है हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प का, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाई प्रेशर मर्क्यूरी लैम्प, जो हाई प्रेशर मर्क्यूरी लैम्प जो होता है डिस्चार्ज लैम्प्स, जब गैस या धात्विक वाष्प में आर्क बनती है तो यह तरंग बंध वेव बॉन्ड अभिलक्षणों में ऊर्जा का विकिरण करता है। उदाहरण के लिए नियोन लाल प्रकाश सोडियम पीला प्रकाश देता है। मर्करी वाष्प वर्णक्रम की 4 लाइनों में सुरेखित दृश्य प्रकाश में और 2 अदृश्य प्राय बैंगनी प्रकाश देता है। सभी आधुनिक विसर्जन लैंप एक अर्ध पारदर्शी आवरण में कार्य करती है। प्रारंभिक विसर्जन प्राय आर्गन और या नियॉन में होता है। लैंप के अंदर विसर्जन आंतरिक ट्यूब में होता है जो अनिर्वात ट्यूब में बंद रहती है। आंतरिक ट्यूब कांच या क्वार्टर्ज की बनी होती है जिसमें पारे के साथ थोड़ी मात्रा में आर्गन गैस भरी होती है। यह विसर्जन को प्रारंभ करने में सहायक करती है। इलेक्ट्रोडों के ऊपर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने वाला पदार्थ लिपटा रहता है जो इलेक्ट्रॉन का सरलता से उत्सर्जित करने में मदद करता है। अब बात आती है हाई टाइप यानी कि एमए टाइप HPMV लैंप सर्किट। इसका लैंप सर्किट है हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप का। 240 वोल्टेज एसी न्यूट्रल दिया, चौक लगा दिया सीरीज में और पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिया, रजिस्टर इसको बोलते हैं। ये रजिस्टर के नीचे इसको बोलते हैं स्टार्टिंग एक्सिलरी इलेक्ट्रोड। स्टार्टिंग एक्सिलरी इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं मेन इलेक्ट्रोड। मेन इलेक्ट्रोड्स हो गया ये मेन इलेक्ट्रोड्स, और
ये होता है एमए टाइप्स हाई प्रेशर मर्क्यूरी लैंप सर्किट है। हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप काम कैसे करता है? वर्किंग प्रिंसिपल, लैंप उच्च दाब पर प्रचालित होते हैं तो विसर्जन शुरू करने के लिए मुख्य इलेक्ट्रोड के पास एक सहायक इलेक्ट्रोड एक उच्च प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़कर लैंप टर्मिनल से जुड़ा होता है। यह उच्च प्रतिरोध धारा को सीमित करता है। जब स्विच ऑन किया जाता है तो समान मुख्य वोल्टेज मुख्य इलेक्ट्रोड और सहायक इलेक्ट्रोड के बीच विसर्जन शुरू हो जाता है। प्रारंभ में विसर्जन धारा उच्च प्रतिरोध के माध्यम से प्रभावित होती है, जिसके कारण यह मुख्य इलेक्ट्रोड व प्रारंभिक इलेक्ट्रोड के बीच आर्गन गैस के माध्यम से विभवांतर पैदा हो जाता है। अब विसर्जन शीघ्रता से मुख्य इलेक्ट्रोडों के बीच फैलने लगता है और आर्गन विसर्जन ट्यूब को गर्म कर देता है और पारे का वाष्पित कर देता है। अब ट्यूब के अंदर का दाब बढ़ने लगता है। अब मरकरी वाष्प का पर्याप्त आयनीकरण हो जाता है और दोनों मुख्य इलेक्ट्रोड के बीच विसर्जन शुरू हो जाता है, अर्थात लैंप प्रकाश देने लगता है। अब बात आता है टाइप्स ऑफ HVMV लैंप्स। उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप 3 प्रकार के होते हैं। एमए टाइप सहायक इलेक्ट्रोड सहित एमवी लैंप, एमए टी टाइप टंगस्टन फिलामेंट सहित एमवी लैंप, एमबी टाइप सहायक इलेक्ट्रोड और बायोनेट कैप सहित एमवी लैंप। अब एमए प्रकार के HVMV लैंप, एमए टाइप HVMV लैंप, इसकी आंतरिक विसर्जन ट्यूब कठोर बोरोसिलिकेट शीशे की बनी होती है। ट्यूब में मुख्य और सहायक इलेक्ट्रोड होते हैं जो ऑक्साइड लिपि टंगस्टन गस्टन से बने इलेक्ट्रोड होते हैं। यह लगभग 1.5 वायुमंडलीय दाब पर सील किए होते हैं। लैंप की कैप स्क्रू प्रकार की होती है और चौक के द्वारा मुख्य लाइन से जुड़ी होती है। पूर्ण रूप से प्रकाशित होने में यह लैंप 5 मिनट लगाता है। HVMV हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप। अब इंटरनली कोटेड आउटर जैकेट इसको बोलते हैं, सीरीज रजिस्टर इसको बोलते हैं सीरीज रजिस्टर। अब सेकेंडरी इलेक्ट्रोड्स ये है और मेन इलेक्ट्रोड्स ये है। मरकरी वेपर्स इसको बोलते हैं और मेन इलेक्ट्रोड्स इसको बोलते हैं, ठीक है। अब एमए टाइप्स HVMV। अब बात आती है, यह लैंप एक बार ऑफ होने के पश्चात पुनः तक प्रारंभ नहीं होगा। जब तक कि प्रारंभ नहीं होगी तब तक कि अंदर का वाष्प दाब घट नहीं जाता। यह पुनः प्रारंभ होने में लगभग 7 मिनट लेता है। तब तक लैंप को ऑन रखने में कोई हानि नहीं होती। लैंप को सदैव ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली दशा में ही प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा आंतरिक ट्यूब क्षतिग्रस्त हो जाएगी। 400 वाट के लैंप की दक्षता 45 लुमेन पर वाट तक होती है। एमए टी प्रकार के लैंप, एमए टी टाइप्स लैंप, इस प्रकार के लैंप का लगभग एमए प्रकार की तरह ही होता है, परंतु इसकी बाहरी कांच का आवरण खाली न होकर इसमें टंगस्टन फिलामेंट होता है। इसमें टंगस्टन फिलामेंट एक समान लैंप जैसा होता है वैसा ही होता है। यह फिलामेंट विसर्जन ट्यूब के श्रेणी में होता है। यह ब्लास्ट का कार्य करता है। इस लैंप का अलग से चौक की आवश्यकता नहीं होती, न कि संधारित्र की आवश्यकता होती है। जब इस लैंप का स्विच ऑन करते हैं तो साधारणतः उद्दीप्त लैंप की तरह प्रकाश देने लगता है और साथ ही विसर्जन ट्यूब को गर्म करता है। जब एक निश्चित ताप आ जाता है तो तापीय स्विच खुल जाता है और फिलामेंट का कुछ भाग परिपथ से अलग हो जाता है। इससे विसर्जन ट्यूब के पार्श्व में अधिक वोल्टेज प्राप्त होती है। इस लैंप में उद्दीप्त लैंप का लाल पीला प्रकाश मिश्रित होता है जो कि फिलामेंट का विसर्जन ट्यूब से निकलता है। यह प्रकाश आंखों के लिए अनुकूल होता है। एमबी प्रकार के लैंप, एमबी टाइप लैंप, यह लैंप बहुत उच्च दाब लगभग 5 से 10 वायुमंडलीय दाब पर कार्य करता है। इस लैंप में विसर्जन नली सोफेटिक क्वार्टर्स की होती है, जिसमें 3 इलेक्ट्रोड 2 मुख्य एवं
सहायक इलेक्ट्रोड होते हैं। विसर्जन ट्यूब लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस लैंप की टोपी में 3 पिन होते हैं जो कि बायनेट प्रकार की होती है और इस सामान होल्डर में नहीं रखा जा सकता है। इसके लिए चौक को संधारित्र की आवश्यकता होती है। ये निकेल प्लेटेड कैप है, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड रजिस्टर। स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड रजिस्टर इस तरह से होता है और इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स होता है। इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स सपोर्ट असेंबल होता है, सपोर्ट असेंबल। और स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड्स इसको बोलते हैं क्वार्टर्ज आर्क ट्यूब, इसको बोलते हैं क्वार्टर्ज आर्क ट्यूब। फ्लोरोसेंट कोटिंग इसको बोलते हैं, मेन इलेक्ट्रोड्स इसे बोलते हैं, आउटर इनवेलप्स इसको बोलते हैं, एमीटाइप्स लैंप्स। विसर्जन नली का कार्य एमए प्रकार की लैंप की तरह ही होता है, चूंकि स्फटिक ट्यूब उच्च तापमान पर कार्य कर सकती है, इसलिए इसे किसी भी स्थिति में उपयोग किया जा सकता है। अब बात आता है यह लैंप 80 वाट, 125 वाट, 250 वाट, 400 वाट, 700 वाट और 1000 वाट में उपलब्ध है, जो कि 230 वोल्टेज या 250 वोल्टेज 50 हर्ट्ज मुख्य प्रदाय पर कार्य करता है। लैंप की दक्षता लगभग 50 लीमेन पर वाट होती है। सोडियम वाष्प लैंप और मरकरी वाष्प लैंप की तुलना। सोडियम वाष्प लैंप और मरकरी वाष्प लैंप, इसके साथ एक उच्च क्षरण प्रतिघात ट्रांसफार्मर होता है, इसके साथ एक चौक ब्लास्ट होती है और प्रकाश जो दक्षता उच्च होता है सोडियम वाष्प लैंप का, यह 160 लीमेन पर वाट का होता है, और मरकरी वाष्प का प्रकाश दक्षता पर 50 लीमेन पर वाट होता है। सोडियम वाष्प लैंप की प्रज्वलन वोल्टेज 400 से 600 वोल्टेज तक परिवर्तित होती है। मरकरी वाष्प लैंप की प्रज्वलन वोल्टेज कम होती है। जलने की स्थिति क्रिटिकल होती है सोडियम वाष्प का, और मरकरी वाष्प का जलने की स्थिति क्रांतिक नहीं होती है। पीलापन होता है सोडियम वाष्प लैंप का, और मरकरी वाष्प लैंप का हरा नीला प्रकाश होता है। सोडियम वाष्प लैंप में केवल 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मरकरी वाष्प लैंप में इसमें मुख्य 2 इलेक्ट्रोड्स और एक सहायक इलेक्ट्रोड होता है। अब बात आती है फ्लोरोसेंट लैंप की। फ्लोरोसेंट लैंप एक गैस विसर्जन लैंप के मौलिक सिद्धांत को पिक्चर 1 में वर्णन किया गया है। विशेषकर वायुमंडलीय और उच्च दाब पर गैस प्राय अल्प चालक होती है, परंतु एक सील्ड आवरण में 2 इलेक्ट्रोड को निम्न दाब पर गैसों को भर कर जब उपयुक्त वोल्टेज, जिसके प्रज्वलन वोल्टेज कहते हैं, प्रदान करते हैं, तो यह 1 इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच गैस के माध्यम से धारा प्रवाहित होने लगती है। इसको बोलते हैं गैस सेल, और ये इलेक्ट्रोड्स हैं गैस एंड मेटल वेपर बोलते हैं लीड इन वायर, गैस डिस्चार्जेस लैम्प। अब बात आती है एक कांच के आवरण में 2 इलेक्ट्रोड जो कि कुछ दूरी पर रखकर इन्हें लीड तारों द्वारा वोल्टता स्रोत से जोड़ा जाता है। आवरण के अंदर वाले स्थान में कम दाब पर वाष्प भरे जाते हैं। जब इलेक्ट्रोडों को प्रदान की गई वोल्टेज में एक सीमा तक वृद्धि की जाती है, तो अंदर भरी गैस आयनित हो जाती है और धारा को संचालित करना शुरू कर देती है। जब एक बार आयनीकरण हो जाता है और धारा 1 इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ संचालित होती है होने लगती है, तो परिपथ का प्रतिरोध तेजी से घटता है, इससे बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। इस अधिक धारा को सीमित करने के लिए युक्ति को काम में लिया जाना आवश्यक है। निम्न दाब गैस में धारा का प्रवाह विसर्जन कहलाता है, इस कारण गैस वाष्प विकिरण का उत्सर्जन परावैगनी क्षेत्र में होता है। परावैगनी यूवी विकिरण मुख की आंखों ग्रहण नहीं कर पाते हैं, या परावैगनी किरणें यूवी फास्टर पर पड़ती है, तो कुछ फास्फर में गुण होता है कि दिस वर्णक्रम में इन द विजिबल स्पेक्ट्रम या प्रकाश को उत्सर्जित करने लगता है। फ्लोरोसेंट की कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। प्रदीप्त प्रकाश बल्ब मौलिक रूप से एक कांच की ट्यूब होती है जिसके दोनों ओर
कैप बेस लगी होती है, इन आधारों बेसेस के साथ पिनी लगी होती है। जो आंतरिक कंपोनेंट्स जिन्हें कैथोड कहते हैं को धारा प्रदान करती है। ट्यूब के अंदर बहुत कम मात्रा में मरकरी की बूंद और निष्क्रिय इनर्ट गैस भरी रहती है। ट्यूब की आंतरिक सतह प्रदीप्त पाउडर या फास्टर से लेपित होता है। जब फास्टर पर पराबैंगनी किरणें पड़ती है तो यह उत्सर्जित करने लगता है। कैथोड या इलेक्ट्रोड टंगस्टन द्वारा कुंडलित फिलामेंट होते हैं जिन पर बेरियम और स्ट्रोनिशियम ऑक्साइड का मिश्रण का लेप लगा होता है। इसे बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं कैथोड फिलामेंट। और यह है इनर्ट आर्गन गैस मरकरी, इसको बोलते हैं फास्फोर कोटिंग। सर्किट डायग्राम में ट्यूब के किसी भी सिरे के साथ स्टार्टर ब्लास्ट और ट्यूब इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने की विधि में दिखाई गई है। स्टार्टर बोलते हैं, ट्यूब बोलते हैं, पावर फैक्टर कैपेसिटर है और यह न्यूट्रल है 240 वोल्ट 50 हर्ट्स, इसको बोलते हैं ब्लास्ट सर्किट डायग्राम। प्रदीप्त लाइट सर्किट के विभिन्न भागों का कार्य है। ब्लास्ट किसे कहते हैं? चौक मूल रूप से ब्लास्ट लेमिनेटेड लोहा कोट पर बहुत अधिक टर्नों से कुंडलित एक कुंडली होती है। प्रदीप ट्यूब को संचालित करने के लिए वह वोल्टेज बढ़ाती है। एक बार ट्यूब संचालित करने के बाद यह धारा के प्रवाह को सीमित करती है। इससे ट्यूब के कैथोड को जलने से रोका जा सकता है। वार्निंग डी डायग्राम्स लेवल ब्लास्ट। स्टार्टर जो होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ में एक स्टार्टर संपन्न कराता है। यह सबसे पहले इलेक्ट्रोडों का पूर्ण तथ्य करने के लिए सर्किट को पूरा करता है। यह वोल्टता को पसंद करने के लिए प्रज्वालक की तरह कार्य करके सर्किट को खोल देता है। स्टार्टर दो प्रकार के होते हैं, ग्लो टाइप एक थर्मल टाइप स्टार्टर होता है। ग्लो टाइप, अब ग्लो टाइप स्टार्टर एक ग्लो प्रकार के स्टार्टर स्विच सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। एक यह गैस प्रयुक्त कांच की ट्यूब पत्ती बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है। जब स्टार्टर को वोल्टेज दी जाती है तो संपर्कों के बीच एक ग्लो विसर्जन होता है। इसमें उत्पन्न हुई ऊष्मा द्विघात धातु पत्ती की मोड़ हो देती है और सर्किट क्लोज हो जाता है। यह वोल्टेज अप्लाइड एंड स्टार्टर हिट्स अप बायोमेटेलिक स्टार्टर बेंड्स एंड कॉन्टैक्ट क्लोज, बायोमेटेलिक स्ट्रिप क्लोज एंड कॉन्टैक्ट ओपन। ग्लो टाइप स्टार्टर पूर्व तप्त हुए इलेक्ट्रोड में से धारा प्रवाहित होना शुरू कर देती है। उसी समय दीप्त ग्लो विसर्जन रुक जाता है जिसके परिणाम स्वरूप द्विधातु पत्ती ठंडी होने लगती है और संपर्क पुनः खुल जाता है और चौक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज उच्च प्रज्वलन वोल्टेज इग्निशन वोल्टेज प्रदान करती है। थर्मल टाइप स्टार्टर जो होता है यह इस स्टार्टर में ऊष्मा उत्पन्न करने वाले प्रतिरोध आर के पास एक द्विधातु पत्ती होती है जो स्विच का कार्य करती है। तापीय प्रकार के स्टार्टर प्राय हाइड्रोजन गैस से भरे बल्ब जी में आवरणित रहता है। जब लैंप परिचालन में नहीं होता है इस समय दो स्विच इलेक्ट्रोड E1 E2 प्राय नॉर्मली बंद क्लोज अवस्था में रहते हैं। जब परिपथ को समान प्रदाय के साथ स्विच ऑन किया जाता है तो लैंप फिलामेंट इलेक्ट्रोड ए और बी तापीय स्विच के माध्यम से ए साथ संयोजित हो जाते हैं और इनमें से उच्च धारा प्रवाहित होने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप ये प्रकाश देने की स्थिति तक गर्म हो जाती है। इसी समय प्रतिरोध आर में उत्पन्न ऊष्मा द्विधातु पत्ती E2 को मोड़ देती है जिसे संपर्क टूटता है। चौक द्वारा इसी क्षण उच्च हिलोल सर्ज वोल्टता प्रदान की जाती है जो कि लगभग 1000 वोल्टेज होती है। यह वोल्टता मरकरी के वाष्प में विसर्जन शुरू करने के लिए पर्याप्त होता है। जैसा कि वर्णन किया जा चुका है कि प्रतिरोध आर में उत्पन्न हुई ऊष्मा स्विच के संपर्क E1 और E2 को इस अंतराल में खुला रखती है जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। यह L और N है, कैपेसिटर है, चौक है, G है, जी जी, और ये R है E1 और E2, ये C2 है आपका कितना 0.006 माइक्रोफैरेड मेगा फैरेड है ना, 400 वोल्टेज का है। एक 0.006 मेगा फैरेड का संधारित C2 स्टार्टर संपर्क धातु के इलेक्ट्रोडों के पास में जोड़ा जाता है।
थर्मल या ग्लो प्रकार के दोनों स्टार्टरों के प्रकरण में एक रेडियो व्यवधान रेडियो इंटरफेरेंस के प्रभाव को खत्म करता है जो विधातु माने द्विधातु संपर्कों के खुलने बंद होने से उत्पन्न होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब जब पिक्चर 3 में दिए गए प्रपथ को उर्जित इनर्जाइज किया जाता है तो श्रेणी प्रतिघात तो दो फिलामेंट और ग्लो ट्यूब में से न्यून धारा प्रवाहित होती है। प्रपथ को उत्सर्जित करने के क्षणों में ग्लो ट्यूब्स के उच्च प्रतिरोध के कारण धारा बहुत कम मात्रा में प्रवाहित होता है। ग्लो ट्यूब्स के उच्च प्रतिरोध के कारण धारा बहुत कम होता है इसलिए श्रेणी प्रतिघात सीरीज रिएक्टर के पार्श्व में बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप होता है इसलिए यहाँ ग्लो ट्यूब पर पर्याप्त वोल्टेज होती है जो जो क्या करती है जो यू आकार की विधातु द्विधातु पत्ती में विसर्जन पैदा करती है जिससे कि यह फैल कर संपर्कों को क्लोज कर देती है। दोनों कैथोड गर्म होना शुरू करते हैं। दोनों फिलामेंट में धारा प्रवाह अपेक्षाकृत ऊंच होता है परंतु परिपथ में लगा श्रेणी प्रतिघात धारा को सुरक्षित मान तक सीमित कर देता है। यह अवधि से ग्लो ट्यूब्स के संपर्क बंद रहते हैं। प्रदीप्त ट्यूब इलेक्ट्रोड का तापमान तीव्रता से बढ़ता है। इसी प्रकार जब ग्लो ट्यूब में संपर्क क्लोज रहते हैं और ग्लो विसर्जन रुक जाता है तो द्विधातु पत्ती यू स्ट्रिप ठंडी हो जाती है और संपर्क खुल जाते हैं। जिस क्षण संपर्क खुलते हैं तो श्रेणी प्रतिघात कुंडली में झटके के साथ प्रेरणिक वोल्टेज उत्पन्न होती है जो प्रदीप्त ट्यूब के मुख्य इलेक्ट्रोडों के बीच धारा का संचालन शुरू कर देता है। फिलामेंट इलेक्ट्रोडों के बीच इलेक्ट्रॉनों की धारा प्रवाहित होने लगती है। ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन आर्गन मरकरी वाष्प के इलेक्ट्रॉनों के साथ ट्यूब में टकराते हैं। दोनों गैस पराबैंगनी प्रकाश विकृत करते हैं। पराबैंगनी किरणें ट्यूब की दीवार पर लेपित फास्टर पर विस्फोट करती है और फास्टर का लेप दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। फ्लोरोसेंट लैंप लगातार परिचालित होता है जब तक कि इसका परिपथ उर्जित रहता है। संतोषजनक परिचालन के लिए इस समान वोल्टेज 110 से 125 वोल्टेज एसी होती है। जब एक बार परिपथ परिचालन में आ जाता है तो प्रतिघात निर्धारित मान तक करंट को सीमित कर देता है। इस प्रकार फ्लोरोसेंट ट्यूब उचित प्रकाश तीव्रता के साथ प्रदीप्त रहती है। पावर फैक्टर कोरेक्शन कैपेसिटर फ्लोरोसेंट ट्यूब के श्रेणी में जुड़े प्रतिघात या वोल्टेज ब्लास्ट के कारण फ्लोरोसेंट इकाई का शक्ति गुणक 50 और 60% पश्चिगामी रहता है। पावर कंपनियों ने इसलिए विभिन्न प्रदीप्त लैंप निर्माताओं के अनुरोध किया है कि फ्लोरोसेंट प्रकाश इकाई में एक संधारित्र कैपेसिटर किए जाए। उन्होंने एक ऐसा संधारित्र लैंप परिपथ में संयोजित किया है जो कि अधिकतर फ्लोरोसेंट लैंप इकाइयों का परिचालन शक्ति गुणक इकाई या लगभग 100% समीप रहता है। स्टैंडर्ड साइज ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप अवेलेबल इन दिस मार्केट फ्लोरोसेंट लैंप की आउटपुट प्रकाश मात्रा लगभग ल्यूमेन प्रति वाट होती है। समानता साइज 10, 20, 40, 80 वाट है। 10 वाट के एक फुट होता है। 10 वाट के एक फुट 30 सेंटीमीटर 20 वाट का होता है 2 फुट 60 सेंटीमीटर 40 वाट का 4 फुट 120 सेंटीमीटर 80 वाट को 5 फीट और 150 सेंटीमीटर क्रमशः जो 240 वोल्टेज पर परिचालित होते हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप विथ इनकैंडेसेंट लैंप फ्लोरोसेंट लैंपों या ट्यूब के मानक उदीप्त लैंपों पर कई लाभ है। इनका मुख्य लाभ यह है कि यह बहुत कम मूल्य पर प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप प्रति वाट शक्ति में उद्दीप्त लैंप की अपेक्षा लगभग 4 गुना प्रकाश उत्पन्न करती है। इस कारण ये परिचालन में सस्ती होती है। इनका चौंध स्तर कम होता है। उच्च प्रकाश दक्षता के कारण फ्लोरोसेंट ट्यूब उद्दीप्त लैंपों की अपेक्षा कम ऊष्मा उत्पन्न करती है। यदि आप फ्लोरोसेंट लैंप को ऑन करने के बाद स्पर्श करते हैं तो कई बार आप महसूस करेंगे छूने से यह ठंडी लगती है। अब कंपैरिजन ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप विद इनकैंडेसेंट लैंप फ्लोरोसेंट लैंप का ट्यूब के मानक उद्दीप्त लैंपों पर कई लाभ है। इनका मुख्य लाभ यह है कि यह बहुत कम मूल्य पर प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप प्रति वाट शक्ति में उद्दीप्त लैंप की अपेक्षा लगभग 4 गुना प्रकाश उत्पन्न करती है।
इस कारण से परिचालन में सस्ती होती है और इनका चौकाचौंध स्तर कम होता है। उच्च प्रकाश दक्षता के कारण फ्लोरोसेंट ट्यूब उद्दीप्त लैंप की अपेक्षा कम ऊष्मा उत्पन्न करती है। यदि आप फ्लोरोसेंट लैंप को ऑन करने के बाद स्पर्श करते हैं तो कई बार आप महसूस करेंगे छूने से ठंडी लगती है, और कई बार जलते उद्दीप्त लैंप को उतारते समय यदि बल्ब बड़ा हो तो यह किसी के हाथ भी जला देता है। अब सामान्य परिचालन स्थितियों में फ्लोरोसेंट लैंप मानक उद्दीप्त लैंपों से 5 से 15 गुना अधिक लंबे होता है। इसलिए यदि फ्लोरोसेंट लैंप को जितनी अधिक बार ऑन या ऑफ़ किया जाएगा तो इसका जीवन काल छोटा होता है जाएगा। फ्लोरोसेंट लैंप की मुख्य हानि यह है कि इसके फिक्स्चर का प्रारंभिक मूल्य अधिक होता है। यह अतिरिक्त इसलिए अधिक है और फ्लोरोसेंट लैंप परिपथ को चलाने के लिए सहायक हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। एक हानि यह है कि हम कम वोल्टेज वाले इन लैंपों के लिए फिटिंग की संख्या अधिक होती है। लाइफ ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप इनका समान अवधि 7500 घंटे है। यह आयु दोनों उच्च और निम्न वोल्टेज से प्रारंभिक होते हैं और स्विच को बार बार ऑन ऑफ करने की आवृत्ति पर लैंप की आयु प्रभावित होती है। एक स्विचिंग ऑपरेशन में 3 घंटे के लिए परिचालित लैंपों की औसत आयु ज्ञात की जाती है। वास्तविक जीवन काल 5000 से 10000 घंटों के बीच परिवर्तित होता है, जो परिचालन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। 4000 घंटे के परिचालन के पश्चात आउटडोर प्रकाश 15 से 20% कम हो जाता है, और इसलिए मितव्यता के अनुसार प्रदीप्त लैंप को 4000 से 5000 घंटे तक जलने के बाद बदलना अच्छा होता है।